हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग। और आज जो है हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर पैनासोनिक की जो वर्कशॉप थी वो हो रही है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है कुछ कैमरे इन्होंने लॉन्च करे हैं, जो कि सबसे मेन हाईलाइट मैं बता दूं आपको S1 है। S1 जो लॉन्च करे हैं उसके हम थोड़ा सा अभी आपको मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है S1। और कैमरा काफ़ी अच्छा है व्लॉगिंग के लिए और जो भी बेसिक है उसके लिए, जैसे पूरी सेमिनार में आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी देखते हैं S1 और M पे भी जो है कुछ कैमरे दिखाए हैं, चलिए वो टेस्ट करते हैं और आपको बताता हूँ सब बातें मैं जो है आपको एक्सप्लोर करके बताऊँगा। व्यूअर्स, अभी जो है मैं कुछ कैमरे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरी पैनासोनिक की पूरी वर्कशॉप है और इसमें जो है आपको वीडियो कैमरे और DSLR वगैरह मिरर लेस वगैरह जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। सर, जैसे आपका नया कैमरा आया है S1 टाइप, हाँ, ये S1 के बारे में कुछ बताइए, ब्रीफली बताइए। ये पैनासोनिक का पहला फुल फ्रेम कैमरा है और इसमें 24 मेगापिक्सल का अच्छा, सेंसर है, ठीक है। 5x इमेज स्टेबलाइजेशन इनबिल्ट है, मतलब इसके लिए गिम्बल खरीदने की जरूरत नहीं है। और बैटरी लाइफ इसकी बहुत बढ़िया है, 3000 mAh की बैटरी है और इसके अंदर बर्स्ट मोड भी काफी बढ़िया है, 60 फोटो के एक साथ ऑटो फोकस। मुझे बेसिकली फुल फ्रेम है, क्रॉप सेंसर है, फुल फ्रेम है। और इसमें जो है किट लेंस कौन कौन से आते हैं? 24 F4 है और ये लेंस 105 पे मैक्रो का काम भी करता है, मैक्रो का काम करेगा, हाँ, 105 पे मैक्रो भी है। तो इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, ठीक है, मैं बता दूं इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ है और ये पूरा कैमरा देख सकते हैं फुल फ्रेम, काफी बढ़िया कैमरा है। अच्छा, ये जो है इसकी ये टच स्क्रीन है, क्या है? टच स्क्रीन है। अच्छा, टच स्क्रीन है और जो है आपके ऐसे कुछ टिल्ट हो जाती है जैसे आप देख रहे हैं, तीन एक्सिस पे खुलता है। और लेकिन ये मैं बता दूं आपको व्लॉगिंग वालों के लिए नहीं है खैर, और वैसे आप जो है अगर फोटो शूट वगैरह वीडियो शूट करते हैं तो बेस्ट कैमरा मैं बता दूं, मैं अब वीडियो में दिखाऊंगा। बेसिकली मेरे हाथ में एक्चुअली जो है FZ 2500 है और काफ़ी कमाल का कैमरा लगा मुझे यहाँ पर। ये बहुत अच्छे अच्छे कैमरे हैं लूमिनिक्स के, और लूमिक्स के कैमरे काफ़ी अच्छे हैं, पैनासोनिक जिसे हम कह सकते हैं। बेसिकली मुझे बस एक कमी लगी इस कैमरे में, क्योंकि इसका वेरिएबल लेंस नहीं है, लेंस आप चेंज नहीं कर सकते, आपको लेंस जो है फिक्स मिलेगा जिसे आप देख सकते हैं। 24-480 जो है इसकी MM वैल्यू है और सब कुछ है कैमरे में, टोटली कैमरा बिल्कुल जो है प्राइस इसका परफेक्ट रखा गया है, सब चीज़ें, लेकिन बस लेंस चेंज नहीं कर सकते आप। इतना ही फीचर फंक्शन वाला कैमरा लाइका $8,000 का बेचती है, 4 गुना महंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की वजह से। लाइका जैसा लेंस और लाइका जैसा कैमरा कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती। और इस कैमरे में पैनासोनिक का सस्ता कैमरा होने के बावजूद इसमें लाइका का लेंस लगा हुआ है, लेंस के साथ एक जबरदस्त जूम दिया हुआ है 20x का, 24-480 का जूम है, उसमें मैं इंटेलिजेंट जूम, डिजिटल जूम। तो व्यूवर्स, आपने कार्ड ही देख लिया होगा और डिस्क्रिप्शन में जो है सारा एड्रेस आ जाएगा, तो अगर आपको कुछ भी पता करना हो डायरेक्टली आप फील फ्री जाइए, पूछो चौधरी में शॉप है और सर को मैं पर्सनली जानता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी हमने पैनासोनिक के जो भी इनके नए मॉडल लॉन्च हुए हैं S1 जो है, आपको डील क्रैक करनी है तो सर से पता कर लीजिए। सर, आपकी शॉप पे क्या क्या अवेलेबल होता है, क्या क्या चीज़ें? सोनी, कैनन, सब कुछ, एवरीथिंग। अच्छा, एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, कैमरा, एक्सेसरीज। अच्छा, और मुझे एक बार बताइए जो S1 इन्होंने लॉन्च करा है क्या प्राइस पड़ेगा उसका? आज का जैसे 2,45,000 और आज की जैसे हमने वर्कशॉप रखी है, बुकिंग लेते हैं तो 20,000 डिस्काउंट, 2,25,000 रुपये। और एक वीलॉग सॉफ्टवेयर है जिससे हमारी वीडियो क्वालिटी 1.7% इंक्रीज हो जाएगी। अगर आज हम बुकिंग करते हैं, जैसे जो हमारा कस्टमर बुक करता है, तो हम कंपनी के वो सॉफ्टवेयर वैसे 15,000 रुपये का, लेकिन 14 तारीख से पहले पहले जो यहाँ पे या मेरी शॉप पे आकर मटेरियल वो लेता है तो वही सॉफ्टवेयर फ्री होगा। चलिए, बहुत बेहतर है। और मैं यहाँ पर कुछ फोटोग्राफर से आप लोगों को मिलाना चाहूँगा जो कि मेरे पर्सनली जानती भी है मुझे और पहचानती भी है। और जो है पहले तो मैं मिलाना चाहूँगा राशिद भाई से, बहुत अच्छे खास जो है फ्रेंड है। राशिद भाई, आपको मुझे बताइए कैसी जो है वर्कशॉप लगी और क्या एक्सपीरियंस मिला, मतलब इन्होंने बहुत सारी बातें बताई उसमें आपको, मतलब आपका एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत ज़्यादा है, आई मीन के बहुत ज़्यादा पहले से करते हुए आ रही हैं चीज़ें, तो कुछ नया आप बताइए, कुछ नया मिला आपको कुछ सीखने के लिए? बहुत कुछ नया सीखने को मिला और ये फोटोग्राफी तो ऐसी चीज़ है कि आदमी जब खड़ा हो तभी कुछ सीखने को मिलता है, तो आज की वर्कशॉप से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसा नहीं कि मैं पुराना करने वाला हूँ, अच्छा, तो अच्छा। ये तो है नहीं कि आदमी परफेक्ट हो जाता है, तो आदमी सीखता ही रहता है। अच्छा, आज भी कुछ नया सीखने को मिला। आप मुझे ज़रा अपने जो स्टूडियो है उसका नाम बता दें। AR फोटो स्टूडियो है मेरा
और सिंहलन चौक पर। अब और कुछ फ्रेंड से मिल पाते हूँ जो कि बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया जो है आपको सारे पैकेजेस वगैरह जो अवेलेबल करवा देते। तो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मेरे कुछ खास फ्रेंड, सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद शमीम। अच्छा, तो सर आपको, आप यहाँ पर आए हैं पैनासोनिक की वर्कशॉप में, क्या चीज़ आपको एक्सपीरियंस नया मिला, क्या चीज़ आपको कुछ ऐसी लगी कि आप पब्लिक के साथ शेयर कर पाएँ? अभी देख रहे हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। और जब इसके बाद में कुछ चीज़ इनकी नई लॉन्च हो रही है उसके बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। अच्छा, और कौन 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 से कैमरे लॉन्च करें? इन्होंने 2-3 कैमरे लॉन्च करे हैं और अभी जो है एक नया कैमरा लॉन्च करा है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतर है। और आपके स्टूडियो का नाम क्या है सर? फैंसी मूवीज के नाम से है। फैंसी मूवीज में नली बातों को छोड़ के जो है, अगर हम कैमरे की आपने चेक करा होगा तो फुल फ्रेम इन्होंने लॉन्च करा है S1, तो उसके बारे में कुछ बयान करें। S1 इनकी जो आज लॉन्चिंग हुई है, आज हमने कैमरों की तरफ ध्यान दिया है, बाकी जो इन्होंने कैमरे निकाले हैं उसको हम लेकर देखेंगे, परचेस करेंगे, उसके बाद रिजल्ट सामने आएगा। जो इन्होंने बताया वाकई में ऐसा है, और अगर एक ऐसा है तो कैमरों की दुनिया में अपने आप में ही एक अलग चीज़ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब प्राइस को लेकर क्या कह रहे हैं? प्राइस को उन्होंने मुझे बताया कि भाई 2.5 लाख रुपये में लॉन्च करा है और लेंस जो है 28105 लॉन्च करा है, 24105 लॉन्च करा है। तो आपके हिसाब से किट लेंस क्या सही है, ये मतलब बोलिए, क्योंकि आप जो है फुल फ्रेम के पूरे एक्सपीरियंस बंदे और पर्सनली जो है कैनन आप 5D Mark II/3 यूज़ करते हैं, तो पर्सनली आपके हिसाब से इट्स अ वर्थलेस और मतलब या फिर ऐसे ही जाने देंगे किस कैमरे? देखो, हमने अभी तक जो यूज़ किया DSLR में, या तो हम कैनन पे गए या निकॉन पे गए, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि पैनासोनिक अपना फुल फ्रेम जो है लॉन्च लेकर आ रहा है, और उसके साथ उसने कई तरह के नए फीचर्स जो कि वो कह रहा है कि अगर कंपैरिजन करें कैनन या निकॉन के साथ तो वो फीचर्स इस पैनासोनिक में नहीं है। ठीक है, तो और जहाँ तक की प्राइस की बात है तो अभी तक प्राइस इन्होंने शो नहीं किया। अच्छा। थोड़ी देर में ये प्राइस भी शो कर देंगे। हमारे साथ यहाँ पर हैप्पी एंटरटेनमेंट के जो है, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मकसूद हुसैन। अच्छा, मकसूद हुसैन भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैबिट के आदमी है, और मैं बता दूँ आपको सर, आप आज यहाँ पर आए हुए थे पैनासोनिक की जो है वर्कशॉप थी, तो आपको सबसे बढ़िया कौन सा कैमरा लगा और आप कौन सा कैमरा खरीदने वाले? मुझे सबसे बढ़िया कैमरा इनका रहेगा 2500 नंबर। अच्छा, 2500 नंबर, और ये इसके अच्छे ज़्यादा फीचर लगे तो, और ये और आगे भी और अच्छे अच्छे इनके कैमरे आते रहे। अच्छा, तो मैं बता दूँ मकसूद भाई को जो है 2500 अच्छा लगा, और ये जो है कर रहे हैं कि भाई 2500 लेने की जो है ताक में है, और लोगों से मिलवाता हूँ आपको। यहाँ पर भाई मुझे बताइए कि आज वर्कशॉप थी पैनासोनिक की, आपको कैसी लगी? वर्कशॉप बहुत अच्छी थी, और आज को कैमरे के फीचर्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ समझने को भी मिला, और इन्होंने नए 2 मॉडल जो चूज़ करे उसके अंदर बहुत अच्छे लगे कि 2500 जो मॉडल है इनका Z2500, वो बहुत अच्छे फीचर्स है और कम बजट के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स है। अच्छा, तो बेसिकली मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि पर्सनली आप कौन सा कैमरा खरीदना चाहेंगे तो कौन सा वो कैमरा होगा? अगर कम बजट के अंदर अगर खरीदना चाहेंगे तो Z2500 खरीदेंगे। अच्छा, 2500 खरीदेंगे, लेकिन 2500 मेरे भी मतलब जब मैंने देखा कि 2500 काफ़ी अच्छा कैमरा है, लेकिन उसमें DSLR आपने लेंस फिक्स है उसमें, एक्चुअली DSLR नहीं चेंज, मतलब लेंस नहीं चेंज कर सकते, उसके बारे में क्या कहना? एक्चुअली क्या है, जितना कंपनी बजट दे रही है उसके अंदर देखा जाए तो उस बजट के अंदर बेहतर ये है कि फीचर्स बहुत अच्छे हैं उसके, जो आप बड़े बड़े कैमरों के अंदर नहीं देख सकते उसके अंदर आपको इसके अंदर मिल रहा है। अच्छा, तो ये है हमारे साथ वेब भाई, अपने स्टूडियो का नाम क्या है? याहू मूवीज प्रोडक्शन। और हम पूछ लेंगे भाई, आज आप पैनासोनिक में जो है वर्कशॉप में आए तो कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और कौन सा कैमरा आपको बढ़िया लगा, मतलब जैसे इन्होंने काफ़ी अच्छे दिखाए, फुल फ्रेम भी दिखाए, क्रॉप सेंसर भी दिखाए, और काफ़ी तरीके के कैमरे दिखाए जो मतलब इन फ्यूचर जो है आने वाले हैं और जो लोगों के काम आने वाले हैं, तो आपका वन ऑफ द फेवरेट कौन सा है मुझे बताइए? इस वाइड सारे कैमरे अच्छे हैं पैनासोनिक के, और हमने लिया भी एक कैमरा 2500 नंबर। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपके स्टूडियो का नाम क्या है और क्या? हमारे स्टूडियो का नाम एंड्रोस फोटोग्राफी। साथ यहाँ पर भाई साजिद, आपको वर्कशॉप कैसी लगी और पैनासोनिक की बताएंगे? माशाल्लाह, बहुत अच्छी थी वर्कशॉप, बहुत मज़ा आया, एंजॉय हुआ, आप जैसे सब भाई लोग मिले हमें, सबके साथ में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पर आपको नया कुछ सीखने के लिए, कौन सा कैमरा आपको काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पसंद आया, कौन सा कैमरा लगा वो आपको? S1 बेसिकली S1 किलर डील है, लेना चाहो ले लेना सब। यहाँ पर सोनू भाई हमारे साथ है, तो सोनू भाई आपको कैमरा कैसे लगा? मुझे कैमरा बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और जो है यहाँ पे सीखने को भी बहुत मिला,
काफ़ी कैमरे के बारे में पता लगा, कैमरा भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन और फिर वन ऑफ द फेवरेट कैमरा आपको कौन सा है, जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाया यहाँ पर कैमरे आपका जो है, पर्सनली अगर आप प्रेफरेंस करेंगे जिसमें आप लेंगे लेना चाहेंगे तो वो कौन सा कैमरा है? F7 वही 2500। अच्छा F7, क्योंकि मतलब वो किलर डील है एक तरीके से आप देख सकते हैं। और कुछ भी पता करना हो आपको पैनासोनिक पे पता कर लीजिए। ये देखिए सारा आपको सब एड्रेस वगैरह मैंने दिखा दिया है, यहाँ पर जो है सब डील आप क्रैक कर सकते हैं। और नीचे एक मैंने नंबर दे रखा है आपको खास, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है सारी डील मिल जाएगी वहाँ से आगे क्रैक। अब व्यूवर्स अभी आप देख सकते हैं मैं शूट कर रहा हूँ एकदम 24mm पे टाइट mm में। और अभी जो ये आपको क्वालिटी दिखा रहा हूँ इस चीज़ की, ये जो है 2500 है, 2500 मॉडल है, FZ 2500 मॉडल ल्यूमिक्स और पैनासोनिक का कैमरा है। आप एक बारी इसका जो है अपर्चर इसका मैं देखूँगा 2.8 आ रहा है अपर्चर, और 4.5 तक, और वेरिएबल है। और अगर हम इसकी मिलीमीटर की बात करते हैं तो ये 24 से लेके जो है 480 तक जो है आराम से चले जाता है। डिजिटल जूम जो है वो कितने इसके बाद से स्टार्ट होता है? डिजिटल जूम शुरू होता है 1000 या 1200। अच्छा, 1000 या 1200 के बाद जो है डिजिटल जूम स्टार्ट हो जाता है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, फोकस काफ़ी अच्छा कैमरा कर रहा है। और भाई आपका नाम क्या है? गोपाल भैया का नाम है। और कुछ भी आपको इस कैमरे में अगर पसंद आ रहा हो तो ले लो भाई, बढ़िया कैमरा है व्लॉगिंग के लिए। लेकिन मैं बता दूँ व्लॉगिंग के हिसाब से काफ़ी मेरे को जो है हाथ में बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब भारी लग रहा है कैमरा, क्योंकि मेरे को इतनी आदत नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर वायरलेस गो नहीं लगाता या फिर नॉर्मल माइक लगाता तो इसके ऊपर मुझे और ज़्यादा भारी हो जाता माइक। अगर मैं ट्राईपॉड इस पर और लगा लूँ तो ये आराम से 3.5 किलो का एक्जैक्ट हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी कैमरा है व्लॉगिंग के हिसाब से। बस वेट ज़्यादा है इसका, लेकिन बाकी सब बढ़िया चीज़ है। और चलिए वीडियो में मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और कुछ भी पूछना हो तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दे रखा है। चलिए भाई।